नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। ग्यारसपुर में फिर एक बार कोरोना की हुई दस्तक। एक ही परिवार के 6 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। पॉजिटिव मरीजों को इलाज हेतु कोविड सेंटर विदिशा भेजा गया। जी हां, ग्यारसपुर में फिर एक बार कोरोना की दस्तक हुई है। मंगलवार को 27 लोगों के सैंपलिंग लिए गए थे, जिसमें से एक ही परिवार के 6 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। परिवार के 7 लोगों की सर्दी जुकाम होने के कारण सैंपल ली गई थी, जिसमें 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है। पॉजिटिव मरीजों को कोविड सेंटर विदिशा भेज दिया गया है। बीएमओ ने बताया है कि मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी और संपर्क में आए लोगों की भी सैंपलिंग की जाएगी। ग्यारसपुर से शुभम मिश्रा की एक रिपोर्ट। कल यहाँ पे ग्यारसपुर एक परिवार के 7 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनको सर्दी जुकाम बुखार था पूरे परिवार को। वो 7 के सैंपल लिए गए थे, उन 7 में से 6 लोग पॉजिटिव निकले हैं। एक ही परिवार के 6 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनको कोविड केयर सेंटर विदिशा भेज दिया गया है। जी, कहीं ना कहीं ग्यारसपुर नगर में देखा जा रहा है कोरोना को लेकर लोग बेपरवाह हैं, कहीं ना कहीं बहुत ढीलापन अपना रहा है, इसकी क्या वजह है? ये लापरवाही हो रही है लोगों को, कोरोना का भय निकल गया। जहाँ जाते हैं कोरोना खत्म हो गया, कोरोना बीमारी जब तक टीका आने के बाद भी, जब तक आप कोई मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, तब तक के आप कोरोना से नहीं बच सकते। लोगों के लिए मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहें उसके बचाव के लिए, कोरोना बचाव के लिए? यही संदेश देना चाहता हूँ ग्यारसपुर वासियों को, SMS का फॉलो करें। SMS सोशल डिस्टेंसिंग जी, मास्क और हैंड वॉश पूरा, अपने को यह बात करना, हाथ जब भी कहीं बाहर जाएं तो अपने को हाथ धोना है जी, इसका पालन करें बराबर। तो मुंह पे मास्क लगा के रखें, रोज हम अस्पताल में मरीजों को टोकते हैं,